नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, सावरकर को लेकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उसको लेकर कांग्रेस ने अब माफी मांग ली है। जी हाँ, ये काफी बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि सावरकर को लेकर कांग्रेस ने सबके सामने ये बोल दिया है कि अब हम सावरकर के ऊपर एक शब्द नहीं कहेंगे या फिर एक भी अपशब्द नहीं करेंगे। ये कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, एक तरह से माफी मांग ली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त कांग्रेस की तरफ से आ रही है। अब पूरी खबर क्या है? पूरी खबर यह है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उन्होंने ये बोला था कि माफी मांगने को लेकर एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो राहुल गांधी का जवाब आया था कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा, मैं गांधी हूं, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। और इस पर जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने और तमाम जितने भी उद्धव ठाकरे के गुट हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। अपना जो वक्तव्य था उस पर बोला था कि हम कांग्रेस से के जो ये विचार है उस पर सहमत नहीं है, और इसी वजह से देखिए वो मीटिंग में भी नहीं आए थे। और अब देखिए कि शरद पवार के हवाले से देखिए खबर आ रही है कि शरद पवार ने इस मामले में कांग्रेस से बात की थी। जब खड़गे के ऑफिस में, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो लोकसभा का जो ऑफिस है, माफ कीजिएगा, राज्यसभा का जो ऑफिस है, तो उसमें देखिए मीटिंग हुई थी, विपक्षी नेता जुड़े थे जिसमें संजय राउत और उद्धव ठाकरे नहीं जुड़े थे। तो उसमें बोला गया, शरद पवार ने देखिए बात रखी कि सावरकर के ऊपर आप कुछ भी मत बोलिए। और इसमें जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जहां पे मौजूद थे, तो वहां पर देखिए उन्होंने साफ बोल दिया कि ठीक है, हम यह सवाल जवाब नहीं करेंगे, सावरकर के ऊपर देखिए एक भी टिप्पणी नहीं करेंगे। ये खबर देखिए आ रही है और देखिए काफी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो वीडी सावरकर को देखिए माफी कार पुकार दी, जिसने माफी मांगी, धोखेबाज बता दी थी, गद्दार बता दी थी, और इस सब जो जितनी भी प्रतिक्रिया करती थी, जितनी भी टिप्पणी देती थी, जितने भी कमेंट्स वो करती थी सावरकर के ऊपर, अब वो सब शांत हो जाएंगे। यह कांग्रेस के हवाले से ही आया है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार अगर कांग्रेस जो है वो सावरकर के ऊपर चुप रहती है तो क्या उद्धव और संजय राउत अब मीटिंग्स में आना शुरू कर देंगे? क्या उद्धव और उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो कांग्रेस का समर्थन करना शुरू कर देगा? ये देखने वाली बात है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।